सो एक असल बनाने वाला नहीं डरता किसी भी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। तो गाइज आज हम एक और बार खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट, और यहाँ पर जो कासल है ना गाइज ये वाला, ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं ना गाइज, इस कासल का जितना भी काम बचा हुआ है जैसे कि ग्लासेस लगाना और भी बहुत सारी चीजें, वो कम्प्लीट करने वाले है, और विलेजर्स के लिए एक शानदार सा ट्रेडिंग हॉल भी बनाने वाले है। और तो और भाई साहब शिप मतलब के बकरिया और तो और काऊ की यहाँ पर फार्मिंग भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जो है ना अभी चलते हैं भाई साहब सैंड लाने के लिए, क्योंकि सैंड से ही जो है अपना ये बन जाएगा मतलब ग्लासेस। लेकिन हाँ उससे पहले एक और चीज़ भाई साहब, अपन को जो है ना आयरन गोलेम भी बनाना है, क्योंकि गाइस अपने कासल के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी आते हैं, और विलेजर्स के लिए भी अपन को एक आयरन गोलेम बनाना है। वैसे एक नहीं गाइस, दो आयरन गोलेम अपन बनाने वाले हैं। इधर फटाफट से जो है ना मैं पंपकिन इकट्ठा कर लेता हूँ यहाँ पर से, और फटाफट से जो है अपन आयरन गोलेम बनाते हैं। उसके बाद जाने वाले अपन सैंड लाने के लिए, जिससे कि अपन ग्लासेस बना सकते हैं। तो चलो फटाफट से इसको मैंने ये मार दी एक इधर से और ये इधर से भी भाई साहब। अभी जो इसको जो है ना आँख वाँख आ चुकी होगी, देखो गाइस जैसे कि मैं बोल रहा था, और अभी जो है ना इसके बनेंगे गाइस दो आयरन गोलेम, जो कि मेरा फ्रेंड बना रहा है, क्योंकि अपन को इतने अच्छे से नहीं बनाने आते, इस वजह से मेरा फ्रेंड बना रहा है। तो बना भाई फटाफट से। अरे बना रहा हूँ यार, पता ना इस गाइस कुछ दिमाग का काम है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर से कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ओके 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 ओके, मेरे को लगता है आधे से ज़्यादा तो अपना आयरन गोलेम बन के तैयार हो चुका है अभी इधर के साइड, क्योंकि अपन ने गाइस पहले ही बोला था अपन जो है दो आयरन गोलेम बनाने वाले हैं, दूसरी की तैयारी भी चल रही है, बन जाना भाई फटाफट से। और यहाँ पर 3 2 1 लेट्स गो भाई साहब, आपके आंखों के सामने बस कुछ ही पलों में आने वाले दो दो आयरन गोलेम। ये गाइस पहला बन चुका है और अभी दूसरा भी बनने वाला है। ये दो दो गाइस आयरन गोले बन चुके हैं, जो कि अपने विलेजर्स की और कासल की रक्षा करेंगे, और तो अपनी शीप्स और काऊ की भी रक्षा करेंगे गाइस। वैसे गाइस हम भी है रक्षा करने के लिए, लेकिन इनकी गाइस जरूरत अपन को ज़्यादा ही थी इस वजह से गाइस। ये लेकिन सारे किसी के सगे नहीं होते, अगर मैंने इसको एक चपेट मार दी ना तो मेरे को भी मार देंगे। वैसे सगे तो नहीं है गाइस, लेकिन क्या करें भाई साहब अभी पालना पड़ रहा है। और वैसे गाइस मैं एक्सपी लेने के लिए भी चलता हूँ अपने एक्सपी फार्म के पास, क्योंकि बहुत दिनों से मैं गया नहीं, इस वजह से यहाँ पर ज़ॉम्बियों को, इनके अंदर के ज़ॉम्बी को ख़त्म कर देता हूँ। लेट्स गो फटाफट से भाई साहब, कितने ज़्यादा ज़ॉम्बी आ चुके थे इसके अंदर, सारे के सारे ज़ॉम्बी को तुम्हारे भाई ने जो है फटाफट से ख़त्म कर दिया है। अभी भी एक बचा हुआ है क्या साले, मरना मरना भाई। तो अभी आ चुका हूँ मैं अपने गाइस कासल के अंदर, यहाँ पर जो कुछ ना कुछ काम कर रहा है मेरा दोस्त, ऐसा मेरे को लग रहा है ऊपर की साइड, क्योंकि अपनी छत डालना बाकी थी ना थोड़ी सी, इस वजह से वो डाल रहा होगा, जैसा कि मैं देख सकता हूँ भाई साहब यहाँ पर डाल रहा है या नहीं। यहाँ गाइस ये डाल रहा है, तो फटाफट से मेरा भी फर्ज बनता है भाई साहब कि मैं भी यहाँ पर से जाऊँ और वहाँ पर से सैंड लेकर के आऊँ नदिया किनारे से, और फटाफट से जो है ग्लासेस बनाऊँ और ग्लासेस लगा दूँ भाई साहब। तो चलो मैं फटाफट से चलता हूँ अभी सैंड लाने के लिए। लेकिन एक सेकंड, अपन ग्लास तो लाएंगे लेकिन ग्लास मतलब बनाएंगे तो सही, लेकिन ग्लास लगाएंगे किधर? वैसे इधर गाइस टॉर्चेस लगाना भी बाकी था कासल के अंदर, तो टॉर्चेस भी अपन ने लगा दिए, इधर भी एक लगानी पड़ नहीं सकती है। वैसे गाइस तोड़ दिया उसने तो जान दो तुम मेरे को गाइस। हाँ यहाँ पर गाइस अपन को जो अभी ग्लासेस लगाना है, तो यहाँ पर जो गाइस आपको जगह दिख रही ना मतलब दोनों साइड की, यहाँ पर से और इधर से भी बनेंगी वैसे ही जैसे मेरा दोस्त बना रहा है, तो यहाँ पर ही मेरे को लगाने हैं भाई साहब वो ग्लासेस। तो फटाफट से मैं चलता हूँ अभी, और यहाँ पर से जो है मैंने पहुँच चुका हूँ यहाँ पर से, यही वाली सैंड अपन को चाहिए, तो फटाफट से मैं इसको खोद देता हूँ, और खोदने के बाद आपको मिलता होगा गाइस। 3 2 1 लेट्स गो, एक ब्लॉक तो मिल चुका है इससे गाइस, देखो कितनी जल्दी खुद जाता है। और ये मेरा गाइस टॉमी है, टॉमी जैसे आपको सामने साइड दिख रहा है इससे नहीं खुदता है जल्दी से, इससे देखो गाइस किसी तगड़ी तरीके से खुदता है, देखो गाइस फटाफट से भाई साहब। और भाई ये मेरा टॉमी है, ये जो कि मेरे पीछे रहता है हमेशा, मेरे को बचाता है ज़ॉम्बी वॉम्बी से। वैसे गाइस ये बहुत ही अच्छा है दिल से भी और वैसे भी। क्या भाई चिकन तेरे को मारूँ क्या? नहीं बोल रहा है गाइस वो, वैसे गाइस दिल की आवाज़ सुन ले तो मैं, वो नहीं बोल रहा है, इस वजह से उसको नहीं मारते, जान देते इधर से। वो भी देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ मतलब क्या चूतियाप्पा कर रहा हूँ। लेकिन भाई साहब चूतियाप्पा नहीं है यार, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे को करनी पड़ती है ये सारी चीज़ें। चलो फटाफट से, अभी इतनी गाइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फटाफट से इसके जो है मतलब इसको अपन को कुक भी करना है फ्यूरेंस में, तो कुक करते समय भी आपको दिखा दूँगा। ओके सो गाइस स्टैंड बैंड कोल करके अपन आ चुके, और यहाँ पर कुकिंग के लिए भी अपने लगा दिया भाई साहब, कोल तो अपने पास पहले से ही था, फ्यूरेंस व्यूरेंस सब कुछ पहले से अपन ने ला के रख दिया था, बस सैंड की कमी थी। तो अभी मैं फटाफट से चलता हूँ नीचे, तब तक जो है ना गाइस अपन कुछ ना कुछ काम करते हैं। चलो फटाफट से देखते हो अभी क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए सबसे पहले। तो ओके सो मैंने जैसे कि बोला था इंपॉर्टेंट काम था, तो गाइस टॉर्चेस लगाना अभी भी इस वाले रूम में बाकी था, तो यहाँ पर एक टॉर्च लगा देता हूँ
एक टॉर्च कहाँ पर लगाने है? ओके सो गाइस, जहाँ पर भी एक टॉर्च लगाना बाकी है, मतलब कि बत्ती, तो ये बत्ती यहाँ पर भर देता हूँ मैं, भर दी भाई साहब, मतलब लगा दी। ओके सो यहाँ पर भी बत्ती लगाना बाकी है गाइस, यहाँ पर भी एक बत्ती अपन लगा। अबे लग क्यों नहीं रही भाई साहब, लग जाना यार, लग जाना। क्यों मेनू तड़पा रही है, क्यों तड़पा रही है भाई, लगना। ये गाइस लग गई है, और यहाँ पर मैं जैसे ही बाहर आता हूँ ना, मेरा मत्ता खराब भाई साहब, यहाँ पर क्रीपर आया गाइस और क्रीपर फूट गया। और जैसे तैसे करके मैंने जो है ना, जितने भी अपने कांच के जो बचे हुए थे ना, वो तो मेरे पास है। और वैसे भी गाइस, वो सामान भी कुछ देर के बाद यार डिस्पॉन भी हो गया, अब क्या कर सकते हैं पता नहीं। सो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि अपन जो है ना, इस काउस को और शीप को भी लाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर गाइस कुछ वीट्स ले लिए है। वीट्स दिखाने के बाद जैसे कि काउ और शीप आ सकती है, ऐसा तो आपको पता ही है। तो फटाफट से अभी मैं काउ ढूंढता हूँ और शीप ढूंढता हूँ, उसको लेकर के आता हूँ। तब तक जो है ना, अपने मतलब सैंड जो है ना, वो भी पक जाएंगी, और बाद में गाइस अपन ऊपर की साइड में ग्लासेस भी लगा देंगे। तो फटाफट से जो अभी चलता हूँ मैं काउस लाने के लिए। ओके सो गाइस, एक शीप मेरे को दिख चुकी है, काउ भी है यहाँ पर, दो काउ और एक शीप, तो इसको भी लाते अपन फटाफट से। आ गए भाई साहब तीनों के तीनों बक्के, और इसको जो है ना थोड़ा सा खिला लेता हूँ और आराम आराम से इसको लेकर के चलता हूँ। ओके ये भी आ चुके हैं, अभी कुल मिलाकर अपने पास तीन तीन मतलब बकरी, बकरी तो एक ही है लेकिन दो गाय भी है भाई साहब, इसका बच्चा भी निकल गया। चलो फटाफट से अभी लेकर के चलते हैं इनको अपने फार्म हाउस के अंदर। फार्म हाउस जैसे गाय मेरे दोस्त ने बना भी लिया उधर, तो चलो फटाफट से, तो चलो आराम से आओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो तुम्हारा मालिक भाई साहब तुमको एक नंबर जगह पे लेके जाएंगा, अच्छे से छतवत भी है तुमको, पानी वानी की कोई भी जरूरत नहीं है, मतलब पानी वानी भी लगने नहीं देगा, और टाइम टू टाइम खाना भी मिलेगा अपने यहाँ पर। तो चलो फटाफट से, चलो 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 चलो, आ जाओ जल्दी आ जाओ। ओके सो गाइस, इनको फार्म के पास तो मैंने लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी गाइस, क्योंकि इन दोनों को जो है ना, अपन को अलग अलग जो है, अलग अलग मतलब एक रूम्स होती है ना अलग अलग, इनकी वहाँ पर डालना है, क्योंकि एक एक इसमें तो नहीं डाल सकते ना, इधर शिप है उधर काऊ है। तो भाई साहब अपन को जो है ना एक एक करके अभी लेके जाना पड़ सकता है। सो एक को तो मेरे दोस्त ने शायद से लेके चला गया, और गोलेम देखो गाइस कैसे घूम रहा है, जो कि अपन ने बनाया था इसी वीडियो में, मतलब आज बनाया उसको भी। सो मेरा दोस्त आ चुका है गाइस, मैं अपने हाथ का वीट जो है ना वो छुपा लेता हूँ, और फटाफट से उसके पीछे जाएंगे अभी। भाई ये तो जा ही नहीं रही क्या? ओके सो मैं वीट हटा लेता हूँ अपने हाथ का, फिर जाएंगी शायद। ओके सो एक तो चली गई है शायद से, इसको मार दो। ओके भाई तीनों की तीनों चली गई, लेकिन तीनों नहीं जानी चाहिए यार, शिप मेरे पास वापस आ आ आ आ, आ जा भाई, वो तो चली गई। ओके सो गाइस शिप उसके पास चली गई, शिप अभी अंदर घुस जा तू भाई, इनको जो अंदर घुसाना ना बहुत ज़्यादा हार्ड काम है यार, घुस भी नहीं रहा। और आइलम गोलेम साला राक्षस की तरह उधर घूम रहा है। ओके एक काऊ तो अपने पास आ चुकी है, अभी शिप को शिप के जंगल में डालना भाई, अपने को दो का ही जरूरत है, फिर इसको जो अपन खिला पिला के ब्रीड करेंगे और भी ज़्यादा, मतलब पूरा का पूरा फार्म हाउस भर देंगे भाई साहब काऊ से, और तो और इन बकरियों से भाई साहब। तो चलो गाइस जैसे तैसे करके इनको अपन ने अंदर तो डाल दिया, वो भी सेपरेट सेपरेट करके, तो इसको अपन खिला पिलाते हैं अभी, और इसको भी गाइस बड़ा करते हैं, और बड़ा करने के बाद ये ब्रीडिंग भी करेंगे भाई। इसको सबसे पहले तो मैं फीड कर देता हूँ, बड़ा होने के बाद ये क्या करेंगे आपको पता ही है, और दिखा भी दूंगा मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी इसको एक बार फीड करता हूँ, और इसको भी एक बार और फीड करता हूँ, जिससे कि बच्चा पैदा हो जाएगा। और भाई साहब नहीं क्या, इसको भूख नहीं है यार, हट भाई, चलो जान दो उसको। उसको गाइस अपन तुमको काऊ का दिखाने वाले अभी कार्यक्रम, काऊ का लेखा साली, फीड हो जाना। ओके गाइस इस छोटे बच्चे को करते हुए फीड, इसको बड़ा करते सबसे पहले तो। ओके सो गाइस इसको गाइस मैं फीड वीड भी कर दिया, और भी ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं इनके, इनको और एक बार फीड कर देता हूँ, इसको भी एक बार फीड कर देता हूँ। और देखो गाइस अभी एक और बच्चा गाइस पैदा हो जाएगा यहाँ पर, तो इनका तो काम हो चुका है सही सलामत, लेकिन अपन को जो इनके ऊपर भाई छत भी डालना है, और छत डालने के लिए अपन को और भी ज़्यादा लकड़ियाँ भी लाने की ज़रूरत है। भाई कितनी क्यूट क्यूट पिल्ले आ गए भाई साहब यहाँ पर, देखो ना, इसको फटाफट से फीड कर देते, इनको भी बड़ा कर देते हैं फटाफट से। ये हो चुका एक और, मैं बड़ा तो नहीं हुआ यार, उसको लग चुकी शायद से मेरे हाथ से। सो गाइस उन काउन एंड शिप के लिए अपन को जो छत डालनी है, तो इस वजह से अपन जो है लकड़ियाँ तोड़ने के लिए आ चुके, तो फटाफट से मैं यहाँ पर से लकड़ियाँ थोड़ा मतलब तोड़ लेता हूँ थोड़ी सी, और थोड़ी सी लकड़ियाँ तोड़ने के बाद फटाफट से चलते हैं, और उनके लिए जो है ना ऊपर की साइड एक बढ़िया सा छत भी डाल देते हैं, जिससे कि उनको बारिश बारिश भी ना लगे भाई साहब, और खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देने वाले, मतलब वीट ही खाते हो वैसे तो। भाई मैं इनके प्लैंक में फटाफट से बना लेता हूँ, अगर प्लैंक बनाने का काम स्टार्ट है गाइस वैसे तो। और मेरे दोस्त ने गाइस एक तरफ की छत शायद से डाल भी दी होंगी, पता नहीं यार डाली है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तो डाल दी होंगी अभी तक। ओके सो गाइस यहाँ पर मैं फटाफट से अभी जो छत डाल देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट से यहाँ पर छत कंप्लीट कर लेता हूँ। और मेरे दोस्त ने गाइस एक तरफ से इतनी खतरनाक छत डाली है ना,
वो गाइस मेरे से तगड़ी डालने वाला है। अपन तो गाइस प्लेन ही डालने वाले हैं, क्योंकि एक साइड की प्लेन डालेंगे और एक साइड की थोड़ी स्टाइलिश डालेंगे। अबे भाई इधर लग क्यों नहीं रहा है, इधर शायद से लगता नहीं है। ओके सो गाइस, मैं आपको मिलता हूँ सीधी छत डालने के बाद। अब भाई साहब अपन को दूसरे कलर के जो है ना प्लैंक्स चाहिए। दूसरे कलर के प्लैंक्स से क्या होगा ना कि वो बहुत अच्छे दिखेंगे, तो फटाफट से अपन दूसरे टाइप के प्लैंक भी ढूंढते हैं यहाँ पर। ओके सो गाइस, मैंने रेड कलर के प्लैंक जो है ला लिए है, और अभी फटाफट से रेड कलर के प्लैंक भी इसके ऊपर डालते हैं फटाफट से। यहाँ पर देख सकते हो अब एक एक लेयर तो हो चुकी है, अब एक एक लेयर जो है ना रेड प्लैंक की भी डालने वाले हैं, और उसके बाद अपन और भी ज़्यादा तगड़ी चीज़ें करने वाले हैं। ओके सो गाइस, यहाँ पर छत बनकर तो तैयार हो चुकी है। अभी जो है फटाफट से मन चलते हैं, और फटाफट से जो है ना जहाँ जहाँ पर भाई साहब आप शिप भी देख सकते हो, यहाँ पर छत भी देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से हो चुकी है। और अभी जो है ना गाइस अपने ग्लासेस लगाना बाकी, और रात भी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। वैसे गाइस 3-4 रात से मैं सोया भी नहीं हूँ, फटाफट से काम ही कर रहा हूँ भाई साहब। तो यहाँ पर से अपने ग्लास भी फटाफट से गाइस लगा देते हैं अपन, और फटाफट से ग्लास लगाने के बाद गाइस व्यूज़ भी देख सकते हो, व्यू मतलब कितना ज़्यादा आ रहा है। और विलेजर भी लाने अपन को, विलेजर गाइस देखेंगे आज ला सकते हो आज ही लाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में विलेजर जरूर चलाएंगे। और विलेजर्स के लिए जो है ना गाइस उधर अपना ये बना रहा है अपना फ्रेंड जो है, मतलब एक हॉल सा कुछ बना रहा है, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है विलेजर्स के हिसाब से। सो अभी जो है ना दोनों साइड से ग्लासेस लगाना बाकी मतलब हो चुका है, और बाकी अपन नीचे चलते हैं और नीचे चल के दिखाते हैं बाहर की साइड से कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है गाइस। वैसे ग्लासेस वासेस और भी कोई जगह पर लगाने हैं कि मैं देख लेता हूँ, वैसे गाइस नहीं लगाने हैं, तो फटाफट से अपन बाहर की साइड चलते हैं और आपको बाहर की साइड से दिखा देता हूँ कि ग्लासेस कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और वैसे गाइस घर ही पूरा का पूरा मतलब कहाँ से लेना वो भी अपना बहुत ज़्यादा प्यारा बन चुका है, और आपको जो है मैंने सामने की साइड से मैं आपको पूरा का पूरा कासल दिखाने वाला हूँ। तो तब तक वीडियो में ज़रूर से बने रहना गाइस। वैसे गाइस सामने की साइड से मैं कैसे दिखाऊँ, एक सेकंड में सोचने दो। वैसे गाइस हाँ, वहाँ पर मैं थोड़े से ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक डालूंगा, उसके ऊपर चढ़ूंगा, और फिर आपको मैं सामने की साइड से भी कासल दिखा दूंगा। ओके इसको पहले तोड़ लेता हूँ मैं, भाई से नहीं टूटी गाइस, भाई वो टूटने वाला कहाँ चला गया यार, वो मेरे पास नहीं है शायद से, कुल्हाड़ी मेरी गुम गई है कहीं पर। तो ओके सो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था आपको सामने की साइड से मैं कासल दिखाने वाला हूँ, तो कासल आप देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा प्यारा दिख रहा है, और पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अभी जो अपन विलेजर्स की तरफ चलते हैं, विलेजर्स के लिए जो है ना एक प्यारा सा हॉल बनाते हैं जहाँ पर विलेजर्स भी भाई साहब रह सके, और अपना मतलब गाँव जैसा कुछ तैयार करते एकदम तगड़ा सा। और यहाँ के राजा जो है ना गाइस मेरा फ्रेंड होने वाला है, और मैं भी गाइस उसकी रानी, रानी तो नहीं कह सकते, रानी कौन होगा, वो होंगी मेरी रानी। सो अभी जो है ना गाइस विलेजर्स के लिए जो है ना अपना तगड़ा सा हॉल बनाना स्टार्ट है भाई साहब, ये भी बहुत ज़्यादा तगड़े बनाने वाले अपन, जो कि आधे से ज़्यादा बनकर तैयार भी हो चुका है। और पीछे की साइड जो है ना अपना गाइस मतलब जो शिप विप उनका फार्म है, और यहाँ पर पूरी तरीके से अपन कांच वॉच लगा देने वाले हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कैसे दिखती है कैसे नहीं, या तो फिर सारी सारी दीवारों का भाई साहब कांच ही लगा देंगे मतलब सामने की साइड से, जिससे कि अच्छा दिखे। भाई साहब एक ग्लास कुछ अच्छा सा दिख तो रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक वॉक नहीं डाल, ब्लॉक डालू ग्लास का ऐसे ही रहने दूँ, वैसे ही रहने देता हूँ गाइस। यहाँ पर पूरी साइड से भी ग्लास लगा कर देखते एक बार ये भी कैसा दिखता है और कैसा नहीं। और आपको गाइस में मिलता हूँ दोनों साइड से ग्लास लगाने के बाद। तो देखिए गाइस कितने तगड़े तरीके से यहाँ पर ग्लास मैंने लगा दिया, भाई साहब एक ग्लास कहाँ पर गिर गए मेरे। और यहाँ पर सामने साइड जो आपको छोटी छोटी खिड़कियाँ दिख रही है ना, वहाँ पर भी अपन ग्लास लगा देते हैं गाइस, जिससे कि अपन ही मतलब विलेजर्स जो इनको भी देख पाए, इनके जो भेड़े चाले होंगे इनको भी। तो यहाँ पर भी फटाफट से अपन ग्लास लगा लेते हैं भाई, लगना जल्दी जल्दी से। ओके सो मैंने वहाँ पर तो लगा दिया, अभी बाहर की साइड से देखिए गाइस ये कितना ज़्यादा तगड़ा दिख रहा है। एक बार यहाँ पर से तो नहीं, और आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, यहाँ पर से देखिए गाइस कितना तगड़ा लग रहा है भाई साहब। अंदर की साइड से अगर आप देखेंगे ना, तो अंदर की साइड से तो ये और भी ज़्यादा तगड़ा दिखाई देता है। ओके सो गाइस, मैं छत डालने का वीडियो जो है ना फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और फटाफट से जो है छत डाल देता हूँ, और बाद में गाइस पूरी की पूरी छत एंड होने के बाद आपको मिलता हूँ। और सामने की साइड के आपको दिखाता भी हूँ कि ओ हॉल भाई साहब कितना ज़्यादा तगड़ा बनने वाला है अपना, वो भी आपको दिखाना बाकी है गाइस। तो चलो फटाफट से मैं ये बना लेता हूँ सबसे पहले तो। ओके सो गाइस, वो वाली साइड का तो पूरा का पूरा हो चुका है, अभी ये वाली साइड थोड़ी सी बची हुई है, यहाँ पर भी फटाफट से डाल देता हूँ। अबे भाई कैसे नीचे गिर गया यार, हट भाई अभी फिर से ऊपर चलना पड़ेगा अपन को। ओके सो मैं फिर से ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पर लास्ट ब्लॉक अपना लगाना बाकी है, मतलब कि ब्लॉक गाइस भावना को समझा करो थोड़ा थोड़ा, भावना कोई लड़की नहीं है भाई साहब, मेरी भावना को समझा करो बस इतना ही बोलना चाहूँगा। ओके सो ये वाला अपना पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। एक बार मतलब कंप्लीट होने के बाद गाइस एक बार मैं आपको बाहर की साइड से दिखाता हूँ, देखो गाइस कितना ज़्यादा तगड़ा दिखाई दे रहा है अपना ये वाला जो है मतलब विलेजर्स का अपना, बहुत ही तगड़ा दिखाई दे रहा है ये वाला हॉल। सो आज की अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ।